दोस्तों आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहां पर मैं बात करने वाला हूं बेस्ट 55 इंच 4K टीवी के बारे में, और वो भी अंडर बजट। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टर्ना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अंडर बजट, तो बजट का भी कुछ बोलते हैं ना, कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैंने बजट डिसाइड किया है 50,000 का, और यहाँ पे जो भी टीवी मैं बताऊँगा अंडर 50,000 ही होने वाली है, और ये ऑनलाइन तो अवेलेबल है और सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की लिस्ट में हमारे पास सबसे पहली टीवी आती है जो हमने आपके लिए निकाली है, उसका नाम है तोशिबा U5050। बात कर ले अब इस टीवी के कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो ये टीवी आती है विडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये तोशिबा का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे LG का होता है WebOS, सैमसंग का टाइजन, यहाँ पे तोशिबा यूज़ कर रहा है विडा ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी के साथ ही यहाँ पे इस टीवी में डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR10, HLG का सपोर्ट है। 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। बिल्ट इन एलेक्सा दिया गया है इस टीवी में, और इस टीवी का मैंने एक 43 इंच 4K वेरिएंट का डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, अनबॉक्सिंग में रिव्यू किया है और कुछ टेस्टिंग भी किया। और अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे कैमरा घुमाऊं तो यहाँ पे टीवी मैंने वॉल माउंट भी किया और मैं पर्सनली इस टीवी को यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ये टीवी काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस टीवी को लेके, पिक्चर क्वालिटी के मामले में। और इसके बहुत ही मैंने वीडियोस बनाए हैं, 2 या 3 वीडियोस बनाए जिसमें डिटेल में सब चेक किया है। तो ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस टीवी के बारे में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बजट टीवी की बात कर रहे हो तो हर टीवी में प्लस एंड माइनस तो होता ही है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप किस माइनस पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तो इस टीवी का एक ही माइनस पॉइंट मेजर है, जो है यहाँ पे इसके लिमिटेड ऐप्स। तोशिबा ऐप स्टोर में आपको बहुत ही लिमिटेड ऐप्स मिलते हैं, जो एक मतलब बहुत ही माइनस पॉइंट है। लेकिन तोशिबा ब्रांड का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 मतलब जैन से लेके मार्च के बीच में आपको एक अपडेट मिलेगा, इसमें काफ़ी ऐप्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ऐसा ब्रांड का कहना है, तब तक आपको वेट करना होगा। उसके पहले एज इफ नाउ अगर आप टीवी लेते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप ये टीवी लेते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए, क्योंकि इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और साउंड वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में अगर एक फायर स्टिक लगा दो इस टीवी में, तो आपका एक्सपीरियंस एकदम मल्टीप्लाई इनटू 50 हो ही जाएगा। तो एक्सपीरियंस के मामले में अगर आपको एप्स वगैरह बहुत सारे चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा फायर स्टिक लगाइए और फुल इंजॉय कीजिए। और अब सवाल उठता है कि इस टीवी की प्राइसिंग क्या है। तो इस टीवी की प्राइसिंग आपको देखने मिल जाएगी 38,000 रुपीज़ अमेजोन पे। ऑफलाइन में फिलहाल आई डोंट थिंक ये अवेलेबल है, ये आपको अगर आप प्लान करो इस टीवी को लेने का तो ऑनलाइन ही मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने आपको दे दी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसी के साथ ही साथ एक खास मैं कहना चाहूंगा इस टीवी का, कि यहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विस जो होगी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तोशिबा ब्रांड खुद कह रहा है कि 450 प्लस सर्विस सेंटर है जहाँ पे आपको अच्छी सर्विस देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो एक खास बात होगी इस टीवी की, बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की लिस्ट में हमारे पास दूसरी टीवी है नोकिया की टीवी। और बात करें अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, डायरेक्ट एलईडी बैकलाइटिंग सोर्स दी गई, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है, और गूगल असिस्टेंट का वॉइस एनेबल्ड रिमोट मिल जाता है, डेडिकेटेड कीज भी दिए गए हैं Z5 तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टीवी में आपको Z5 का एक डेडिकेटेड कीज देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो यहाँ पे आपको इस टीवी में 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। और खास बात इस टीवी की है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 40 वॉट के अटैच्ड ऑनक्यो के स्पीकर देखने मिल जाएंगे, जिससे आपको ऑडियो का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और बात कर लें यहाँ पे ब्राइटनेस निट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे 420 निट्स की ब्राइटनेस निट्स
परफॉर्मेंस दी गई है और 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस टीवी में। और इसी के साथ ही साथ आपको इस टीवी में HDR10 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है जो है कि यहाँ पे आपको इस टीवी में डॉल्बी विजन नहीं मिलता, डॉल्बी विजन का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही साथ बात करें साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में तो इस टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर है इस टीवी में आपको प्रिंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, जितने भी है सब कुछ आपको इस टीवी में प्रिंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस टीवी का सब कुछ बढ़िया है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है कि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता, एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे इस टीवी का। बाकी सब कुछ बढ़िया है, इसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, टीवी की प्राइस बताना। ये टीवी की प्राइस है 40,000 रुपीज। फ्लिपकार्ट पे आप इस टीवी को खरीद सकते हो। 55 इंच 4K टीवी की थर्ड टीवी है हमारे पास, मोटोरोला रिवो टीवी। और बात कर ले कुछ इसके हाईलाइट की तो इस टीवी में आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। VA पैनल के साथ आने वाली टीवी तो यहाँ पे आपको व्यू एंगल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि व्यू एंगल्स कोई भी टीवी का ले लो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अगर आप टीवी साइड से बैठ के देख रहे हो, सामने से देख रहे हो तो आपके लिए मैटर नहीं करता। और बात करें इस टीवी के ब्राइटनेस, निट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में तो इस टीवी की ब्राइटनेस आती है पीक ब्राइटनेस 350 निट्स की, और जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया 3000:1 का दिया गया। तो ये टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है, HLD का सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे एक इसकी मेजर हाईलाइट होगी इस टीवी की कि यहाँ पे आपको 50W का साउंड आउटपुट मिलता है जो कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया बना देता है। तो ये खास बात होगी इस टीवी की। और ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी जैसा मैंने कहा। और इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें इस टीवी के तो 2GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। आई डोंट थिंक इतना इंटरनल स्टोरेज कोई भी दे रहा है, तो ये एक खास हाईलाइट होगी इस टीवी की। और बात करें अब इस टीवी के प्राइसिंग के बारे में तो ये टीवी को आप परचेस कर सकते हो 41,000 रुपीज में। और अगर आप कंफ्यूज है नोकिया टीवी और मोटोरोला टीवी को लेके, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ही टीवी का एक कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया, तो वो आप चेकआउट कर लीजिए, ऊपर लिंक कर दूंगा। और इसी के साथ ही साथ आप अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे फोर्थ बेस्ट 55 इंच 4K टीवी के बारे में। तो वो टीवी का नाम है सैनियो काइजन 2020 का मॉडल, और ये टीवी आती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। 2GB का रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। VA पैनल के साथ आने वाली टीवी है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई है, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है। और इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, मेजर वाले, और रिमोट डेडिकेटेड कीज भी आपको देखने मिल जाएगी। वॉइस एनेबल रिमोट दिया गया है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है इस टीवी में। और बात करें इस टीवी की प्राइसिंग के बारे में तो ये टीवी की प्राइस है 38,000 रुपीज। और अगर आप सोच रहे हो इस ब्रांड का नाम आपने पहली बार सुना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सैन्यो ब्रांड है पैनासोनिक का सब ब्रांड है। मतलब सब ब्रांड अगर आसान भाषा में समझा रहा है तो समझ लो उसका छोटा भाई है जो ये टीवी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको जो सर्विस देगी वो पैनासोनिक की तरफ से मिलने वाले, तो इस टीवी में आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस मिलने वाली है। और इसी के साथ ही कुछ चीजें मैं भूल गया इस टीवी के बारे में, यहाँ पे आपको HDR10 और HLD का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट दिया गया है, और इसी के साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 का दिया गया है, और इंटरनल स्टोरेज और रैम तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारी बातें हो गई इस टीवी के बारे में। इस टीवी को भी आप खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने दे दी है। बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की सीरीज में हमारे पास अगली टीवी है जो बहुत ही ज्यादा टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है आते मनी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाइसेंस के A71F मॉडल के बारे में। और बात करें कुछ इस टीवी के कुछ खास और मेजर हाईलाइट के बारे में तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ। अगेन व्यू एंगल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस निट्स दी गई है, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको बहुत ही बढ़िया दिया गया है। इसी के साथ ही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है, 2GB का रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस टीवी की। और ये टीवी लगभग मिलती है व्यू प्रीमियम और व्यू अल्ट्रा से, मैंने वो कंपैरिजन में बताया, ऊपर लिंक कर दूंगा, वो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसी के साथ ही बात करें इस टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में तो यहाँ पे आपको इस टीवी में 30W का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर इस टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, और डेडिकेटेड कीज भी दिए गए रिमोट में, जैसे कि प्राइम वीडियो का हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और हॉटस्टार के हो गए, तो ये आपको कीज देखने मिल जाएंगे रिमोट में ही। वॉइस एनेबल रिमोट है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, ब्लूटूथ और वो सब सभी का कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे।
और बात करें इस टीवी के वेरिएंट्स के बारे में, तो फिलहाल इस समय इसका दो ही वेरिएंट अवेलेबल है, वो भी ब्लैक मार्केटर्स के थ्रू, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग रखी गई है, अभी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वो लोग ब्लैक मार्केटर्स भी ज़्यादा प्राइस नहीं रखे, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वहाँ से ले सकते हो। आई थिंक 2 या 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, और 2 या 3 हज़ार रुपये दे के आई थिंक ये टीवी वर्थ है, क्योंकि ये टीवी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। मैंने पर्सनली यूज़ किया इस टीवी को। और बात करें अब इस टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो जो 50 इंच का वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 36,000 रुपीज़ के आसपास। और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट टीवी के बारे में, जो बेस्ट 55 इंच टीवी की है। लेकिन अगेन यहाँ पे जो 55 इंच का वेरिएंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे 58 इंच का वेरिएंट मैंने सेलेक्ट किया है आप सभी के लिए। और वो टीवी का नाम है पैनासोनिक का 2020 मॉडल, आप स्क्रीन पे मॉडल नंबर देख सकते हो। और बात करें अब इस टीवी के कुछ हाईलाइट और फीचर्स के बारे में, टीवी आती है आईपीएस पैनल के साथ, डायरेक्ट एलईडी बैकलाइटिंग सोर्स दी गई है, मल्टी एचडीआर का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है। और बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में, तो 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है इस टीवी में, और DTS ट्रू सराउंड का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर आपको इस टीवी में प्रिंट इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, रिमोट में डेडिकेटेड कीज देखने मिल जाएंगे, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग का सिस्टम है, और ये सारी बातें हो गई इस टीवी के बारे में। और यहाँ पे मेजर इस टीवी का हाईलाइट होगा कि यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया ब्रांड, मतलब पैनासोनिक का आपको आफ्टर सेल सर्विस मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैंने मतलब मेरे घर पे, मतलब 2012 में मैंने जो टीवी ली थी वो पैनासोनिक की ली थी, और अभी तक सही चल रही है, और जो सेल्स आफ्टर सेल सर्विस होती है वो बहुत ही बढ़िया रहा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस टीवी को, अगर आप एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड से। तो ये सारी बातें हो गई इस टीवी के बारे में। तो दोस्तों यही थी पूरी लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो इस समय अवेलेबल है मार्केट में। ऑनलाइन तो अवेलेबल है, ऑफलाइन का मुझे आइडिया नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। और इसी के साथ ही साथ आपका कोई सवाल सुझाव कोई भी राय हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, पूरा कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल मिला तो भाई लाइक ठोको यार, लाइक लगाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। और इसी के साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे भी आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं, वहां पे भी आप DM मुझे कर सकते हो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।